भारतीय जनता युवा मोर्चा का महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर पवन यादव के सम्मान समारोह का आयोजन आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, विश्वजीतांशु सिंह आंसू, डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, राजन जायसवाल, पार्षद राधेश्याम रावत, जितेंद्र सैनी, पद्मा गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर युवा मोर्चा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में पार्टी के नेताओं ने कहा कि पवन के नेतृत्व में युवा मोर्चा का एक नया मुकाम हासिल करेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष पवन यादव ने कहा, महानगर के महामंत्री का शर्मा जी, महानगर के मीडिया प्रभारी ब्रजेश मणि मिश्र जी के नेतृत्व में बहुत ही सफलतापूर्वक जो रेखा खींची है उस काम को और वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो यहाँ पे संगठन के नाते एकत्रित सभी लोगों का एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी संगठन के पवन यादव जी संगठन में सामंजस्य के जो कार्यक्रम है जो संगठन में देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने देखा उपेंद्र जी अकेले थे, तीन चार लोग पीछे खड़े थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए और नारा लगाने लगे उठ के खड़े, तो इस तरीके का उत्साह था। वह उत्साह जैसा युवाओं में दिख रहा है वो उत्साह उपेंद्र जी में दिखता है और डॉक्टर धर्मेंद्र जी तो युवा हैं ही। प्रसन्नता का विषय, एक सोच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा सोच वाली पार्टी है, तभी युवाओं की बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अटल जी युवाओं की बात करते थे, आज स्मार्टफोन पे पूरा युवा चल रहा है, अटल जी की देन है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही रह जाएगा। हवाएं चल रही हैं, हमारे पक्ष में हवाएं हैं, विपक्ष में बहुत सारी हवाएं हैं, लेकिन जान भारतीय जनता पार्टी में है ये दिया बुझेगा नहीं। ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प रखा है, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की में बहुत मारी बन जाऊंगा, या तो मंदिर में जाएगी या दिशा मुसाफिर बन जाऊंगा। कि आने वाला समय भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्रमांक एक पे निश्चित तौर पे खड़ा हो सकता है। मैं ये जाम जावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। पवन यादव जी के समक्ष भी चुनौती है। आदरणीय रणजीत राय बड़े जी जब महानगर के अध्यक्ष थे उन्होंने इतना अच्छा कार्य महानगर में खड़ा किया, उस बात को छूने की आवश्यकता है। यद्यपि महानगर के महामंत्री के रूप में उनका सहयोग अतुल्य रहा है, मैं अपने प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप सभी का भी उसमें जो सहयोग मिलता है, निश्चित तौर पर पवन यादव जी को भी उसी लगन और तन्मयता के साथ पार्टी को और युवा मोर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता के ऊपर गोरखपुर महानगर युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी है। मैं चूँकि पूर्व में मैं महानगर का महामंत्री रहा हूँ, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में मुझे भरपूर जानकारी है। मैं महानगर के समस्त नौजवानों को, युवाओं को लेकर के 2019 के चुनाव में गोरखपुर में और गोरखपुर ने पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तन्मयता के साथ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा मानना है।